बैटमैन विद हेलमेट आर्मर वर्सेस आयरन मैन विद सुपीरियर आयरन मैन आर्मर की फाइट में कौन जीतेगा? सुपीरियर आयरन मैन आर्मर वेनम की तरह सिम्बियोट की बायोलॉजी पर बेस्ड एक सूट है। इसका इससे पहनने वाले के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है। ये एक ऐसे इंटेलिजेंट लिक्विड से बना है जो मेटल जितना हार्ड बन सकता है और एज अ वेपन यूज करने के लिए अपना शेप भी बदल सकता है और वापस अपने लिक्विड फॉर्म में भी लौट सकता है। इसमें एक अलर्ट मोड है जो आर्मर को आपको तब भी प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है जब आपने इसे पहनाना हो। ये टोनी स्टार्क का मेरा फेवरेट आर्मर है, लेकिन बैटमैन फिर भी इसे हरा देगा। मैं मानता हूँ कि सुपीरियर आयरन मैन आर्मर टोनी स्टार्क का अब तक का बेस्ट आर्मर है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हेलबैट से करें तो ये कुछ भी नहीं है। हेलबैट आर्मर की मदद से बैटमैन ने डार्क साइड की आर्मी और डार्क साइड का एक एक करके सामना किया है और जीत भी हासिल की है। ये भी सच है कि इसका नुकसान ये है कि अगर इसे ज्यादा टाइम तक पहने रखा तो ये अपने यूजर को मार भी सकता है, लेकिन बैटमैन इस फाइट को आसानी से जीत जाएगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो सुपीरियर आयरन मैन सूट हेलबैट आर्मर को टेक डाउन करने के लिए एक सुटेबल सूट नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताइए।